नमः शिवाय, इस पंचाक्षर में ही जीवन का सार है। जिसने भी सच्ची श्रद्धा से भोले की आराधना की, शिव शंकर ने सदैव उसका कल्याण किया। भगवान शंकर के अनेक रूप, अनेक नाम तथा अनेक धाम है। बाबा के अनेक पवित्र धामों में से श्रेष्ठ है अमरनाथ धाम। आइए अनादि अनंत भूत भावन भोले शंकर का ध्यान कर हम अमरनाथ धाम की यात्रा का शुभारंभ करें। अर्थात कल्याणकारी। भगवान शिव के ध्यान मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने मन में आशुतोष भगवान को बसाकर अमरनाथ की यात्रा का शुभारंभ करने के लिए सभी भक्तों को सर्वप्रथम जम्मू तक की यात्रा करनी पड़ती है। शिव का मंत्र जपे जो प्यारा, भव सागर तर जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने मंत्र ये जापा, ब्रह्मा जी ने मंत्र ये जापा, सब वेदों का ज्ञान था पाया, सब वेदों का ज्ञान था पाया। नमः शिवाय मंत्र सहारे, नमः शिवाय मंत्र सहारे ये संसार रचाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जम्मू को धरती के स्वर्ग कश्मीर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मंत्र जपे जो न्यारा, शिव का मंत्र जपे जो नारा, भव सागर तर जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। जम्मू तवी के टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन काउंटर से रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात ही आगे की यात्रा आरंभ होती है।
ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच सर्पीले पहाड़ी रास्तों से होकर अमरेश्वर महादेव के भजन गाते गुनगुनाते शिव भक्त जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे मन में असीम आनंद एवं स्फूर्ति का संचार होने लगता है। यात्रा के दौरान मार्ग पर न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता से भरे पर्यटन स्थल मिलते हैं बल्कि अनेक धार्मिक स्थलों के दर्शन भी सुलभ होते हैं। मार्ग में जगह जगह पर सेवा समितियों द्वारा भंडारे की व्यवस्था की जाती है। आगे मार्ग में उधमपुर आता है। यहीं हनुमान जी का ये मंदिर भक्तों की श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। इस सुंदरानी मंदिर में स्थित शिवलिंग की पूजा करने प्रत्येक दिन काफी दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं। चलते चलते यात्रियों को तनिक विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे में उनके ठहरने एवं खान पान हेतु खुद में अच्छी व्यवस्था उपलब्ध होती है। ये मन को हरने वाले दृश्य हैं पटनी टॉप के। भक्तगणों के अलावा भी प्रतिवर्ष यहाँ अनेक सैलानी पर्यटन करने आते हैं। शशि शेखर धारणाया कर्पूर कांति धवलाय जटा धराया। संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र के नयनाभिराम दृश्यों को मन में बसाकर जब आगे की यात्रा करते हैं तो मार्ग में वटोट आता है। यहाँ की छटा अत्यंत मनोहारी है। बटोट के पश्चात पुनः सुंदर वादियों एवं हरे भरे पेड़ों के बीच बसे राम वन पर नेत्र टिक जाते हैं। गंगा धराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्ति प्रियाय भवरोग भयापाय उग्राय दुर्ग भवसागर तारणाय
ज्योतिर्मयाय गुण नाम सुनृत्यकाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। झरझर बहते पहाड़ी झरनों का जल स्वच्छंद एवं निर्मल होने के साथ साथ अत्यंत मीठा भी है। यहाँ स्नान करने से आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। भाले क्षणाय मणिकुंडल मंडिताय मंजीर पाद युगलाय जटा धराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। घाटी के टेढ़े मेढ़े रास्तों के साथ साथ बहते पहाड़ी नदियों के जल मन को असीम शांति प्रदान करते हैं। आया फणिराज विभूषणाया हिमांशुकाय भुवनत्रय मंडिताय आनंद भूमि वरदाय तमोमयाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भानु प्रियाय भवसागर तारणाय कालांतकाय कमलासन पूजिताय नेत्रत्रयाय शुभलक्षण लक्षिताय दारिद्र दुख दहनाय। पहलगाम अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है। यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए व्यवस्था उपलब्ध है। रघुनाथ पहलगाम अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नरकारण अवतारणाया लीडर नाला का मोहक दृश्य इसे और भी दर्शनीय बनाता है। दारिद्र दुख यहाँ से अमरनाथ की पवित्र गुफा 46 किलोमीटर दूर है। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीत प्रियाय वृषभेश्वर वाहनाय। समुद्र तल से यह 8500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चंदनबाड़ी तक जाने के लिए बस या टैक्सी भी उपलब्ध रहती है। पहलगांव से चंदनबाड़ी का मार्ग साधारणतः अच्छा है। इनके दर्शन से चंदनबाड़ी दूसरा पड़ाव है। इनके दर्शन से सुख जीता इनके दर्शन से दुख हारा यहीं से भंडारे आरंभ होते हैं। सुख जीता इनके दर्शन से दुख हारा ऐसे है हमारे विश्वनाथ। ऐसे है हमारे यात्रियों को मुफ्त भोजन तथा कंबल मिलते हैं। ऐसे है हमारे विश्वनाथ। ऐसे है हमारे इनके दर्शन से सुख जीता इनके दर्शन से ये है नीलगंगा दुख हारा।
कहते हैं, एक बार पार्वती जी के नेत्रों का काजल भगवान शिव के अधरों पर लग गया। उसे जब शिवजी ने यहां धोया तब संपूर्ण जल काला पड़ गया। नीलगंगा महापाप विनाशक है, ऐसी मान्यता है कि यहां स्नान करने से शिव धाम की प्राप्ति होती है। अपने माथे जो इनकी बबूते मले। ये है पिस्सू घाटी। पिस्सू घाटी की कथा कुछ इस प्रकार है। कहते हैं प्राचीन काल में एक बार देव तथा दानव महादेव जी के दर्शनार्थ पर्वत पर चढ़ने लगे। पहले दर्शन पाने की होड़ में देव तथा दानवों में युद्ध छिड़ गया। दानवों से पराजित होने पर देवों ने भगवान शिव के चरणों का स्मरण किया, उनसे शक्ति की प्रार्थना की। भगवान शिव की कृपा से देवताओं ने दानवों पर न सिर्फ विजय पाई बल्कि उनकी हड्डियों को भी पीस डाला। इसीलिए इस स्थान का नाम पिस्सू घाटी पड़ गया। नीलकंठ बने विष का पान किया, ओ नीलकंठ बने विष का पान किया, मरने वालों को जीवन का दान। इस पर्वत के दर्शन मात्र से कुरुक्षेत्र प्रयाग तथा गंगा सागर दर्शन जैसा फल प्राप्त होता है। समुद्र तल से इस स्थान की ऊंचाई 11,500 फुट है। भोले प्रभु के नाम का सुमिरन कर जब यात्री आगे बढ़ते हैं तो दुर्गम से दुर्गम यात्रा भी सुगम बन जाती है। इनके दर्शन से सुख जीता, इनके दर्शन से दुख हारा, ऐसे है हमारे विश्वनाथ, ऐसे है हमारे ओंकारा, ऐसे है हमारे विश्वनाथ। बाबा अमरनाथ की इस कठिन चढ़ाई को आसान बनाने के लिए आइए हम अब अमरनाथ जी की कथा का श्रवण करें। एक बार जब पार्वती जी ने अमर कथा सुनने का हट किया तो भगवान शंकर जी ने सोचा कि कथा सुनने वाला प्रत्येक प्राणी अमर हो जाएगा, अतः इसे एकांत जगह पर सुनाना चाहिए। उन्हें व्यास गुफा याद आई। यह वही गुफा है जिसे आजकल बाबा अमरनाथ जी की गुफा कहते हैं। भगवान शंकर पार्वती जी को साथ लेकर व्यास गुफा में प्रवेश कर गए। उन्होंने अपनी शक्ति से अग्नि पैदा की और वहां की सारी खरपतवार जला दी। सभी जीव जंतु वहां से विदा हो गए, परंतु फिर भी एक मादा तोते का अंडा वहीं पड़ा रह गया। जब भगवान शंकर पूरी तरह आश्वस्त हो गए तो वे
अपने आसन पर बैठ गए तथा पास ही पार्वती विराजमान हो गई। शंकर जी ने पार्वती से कहा, अब मैं कथा सुनाता हूं, तुम सोना मत और मेरी कहानी में हां हां का उच्चारण करते रहना, ताकि मुझे पता रहे कि तुम कहानी सुन रही हो। प्रारंभ में पार्वती हां में हां मिलाती रही, परंतु बाद में उन्हें नींद आ गई। देववश यह किसी को ज्ञात नहीं था कि तोते के अंडे से बच्चा पैदा हो गया। पार्वती के स्थान पर पैदा हुआ नन्हा तोता हां में हां करता रहा। जब कथा समाप्त हो गई तो भगवान शंकर पार्वती से बोले, गौरी अब तो तुम अमर हो गई। पार्वती जी की आंख खुली तो बड़ी हैरानी से बोली, भगवन मैंने तो कथा सुनी ही नहीं, मुझे तो नींद आ गई थी। शिवजी बोले, फिर हां में हां कौन मिला रहा था? अभी वह पार्वती से पूछ ही रहे थे कि तोते का बच्चा फुर से उड़ गया। फिर शंकर जी को असली बात का पता चला, वे उस पक्षी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। तोता भगवान शंकर के क्रोध से भयभीत था। परंतु जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। और उधर वेदव्यास ऋषि की धर्मपत्नी जब माई ले रही थी कि तोता उड़ता हुआ आया और मुंह द्वारा उनके पेट में चला गया। उधर भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए। वे बड़े गुस्से में थे। वे ऋषि पत्नी से बोले, मुझे मेरा शिकार वापस लौटा दो। ऋषि पत्नी बोली, महाराज मेरे पास आपका कोई शिकार नहीं है। भगवान शिव कहने लगे कि मेरा पक्षी रूपी शिकार आपके पेट में चला गया है। इतना कहकर भगवान ने वहीं आश्रम में डेरा डाल लिया। कई दिन महीने बीत गए, लेकिन पक्षी बाहर नहीं आया। उस समय ऋषि वेद व्यास जी वन में घोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या के पश्चात जब वापस आश्रम लौटे तो देखते हैं कि बाहर भगवान शंकर डेरा जमाए बैठे हैं। ऋषि ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और प्रसन्नता से बोले, हमारा तो जीवन धन्य हो गया कि आप हमारी कुटिया में पधारे। परंतु शंकर जी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी के पेट में मेरा शिकार छिपा हुआ है, मैं उसके बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, उसका शिकार करके ही वापस लौटूंगा। संसार के सभी कार्य बंद हो गए, भक्तों के लिए शिव दर्शन कठिन हो गए। तब नारद जी भगवान शंकर के पास आए और कहने लगे, भोलेनाथ इस पक्षी की हत्या करने से कोई लाभ नहीं, यह तो अमर कथा सुनकर अमर हो चुका है। तब भगवान शंकर को एहसास हुआ कि वह तो बेकार ही वहां बैठे हैं और ऋषि पत्नी को दुख दे रहे हैं। भगवान शंकर कहने लगे, बेटा तुम बाहर आ जाओ और ऋषि पत्नी को सुख दो, तुम तो अमर हो चुके हो, तुम बिल्कुल निर्भय होकर आ जाओ। यह सुनकर वह तोता
बाहर आ गया। भविष्य में वही तोता शुकदेव मुनि के नाम से जाना गया। भोले शंकर के, भोले शंकर के, भोले शंकर के जैसा वरदानी, जय हो। भोले शंकर के जैसा वरदानी, तीनों लोकों में कोई। चंदनबाड़ी से 13 किलोमीटर दूर स्थित है शेष नाग। समुद्र तल से 11,730 फुट की ऊंचाई पर बसे इस मनोरम स्थान में डाक बंगले के साथ साथ तंबुओं की भी व्यवस्था है। बात सच है न इसमें है शंका, दे दी रावण को सोने की लंका, जय हो घरदानी की। बात सच है न इसमें है शंका, दे दी रावण को सोने की लंका। जैसे हैं भोले, जैसे हैं भोले, प्रेम से बोलिए बाबा भोलेनाथ की। जैसे हैं भोले बाबा बर्फानी, तीनों लोकों में कोई नहीं है। यहाँ झील के निर्मल जल में स्नान करने से मार्ग की सारी थकावट दूर हो जाती है। यहीं यात्रियों की मदद के लिए भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर सदैव तत्पर रहता है। भोले ने वर दिया भस्मासुर को, शक्ति दे दी थी ऐसी असुर को। शेषनाग से जुड़ी एक प्राचीन कथा प्रचलित है। पूर्व काल में एक दुष्ट राक्षस के अत्याचार से जब देवगण दुखी हो गए तो सबने भोले शंकर की स्तुति करके अत्याचारी दानों से मुक्ति पाने की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, मैंने ही उस राक्षस को शक्ति का वर दिया था, अब मैं अपना वर वापस नहीं ले सकता, अतः आप शरणागतों के रक्षक भगवान विष्णु की शरण में जाएं। इसके पश्चात सभी देवों ने विष्णु के समक्ष प्रार्थना की। देवताओं की करुण वाणी सुन विष्णु जी ने शेषनाग से कहा, आप तो वायु भक्षक हो, अतः इस वायु रूपी राक्षस का आप पान करो। भगवान विष्णु की आज्ञा से शेषनाग ने राक्षस का भक्षण कर लिया। इस तरह यह स्थान शेषनाग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। शेषनाग से लगभग 13 किलोमीटर दूर पंचतरणी स्थान है। इसके जैसा कोई अघड़दानी, तीनों लोकों में कोई। यह समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तीनों लोकों में कोई नहीं है। महागुनास पर्वत की कठिन चढ़ाई शेषनाग के आगे ही आरंभ हो जाती है। भोले शंकर के यहाँ चारों ओर अनेक हिम धाराएं एवं झरनों का निर्मल जल बहता रहता है। नीचे उतरने पर भैरव पर्वत का स्पर्श करती 5 धाराएं अर्थात पंचतरणी बहती है। कहते हैं भगवान शंकर की जटाओं से निकली माँ गंगा जब 5 धाराओं में बहने लगी तब से इसका नाम पंचतरणी पड़ गया।
यात्री यहीं रात व्यतीत करते हैं। पंचतरणी यात्रा का तीसरा पड़ाव है रुद्राक्ष मंगल। पंचतरणी से पवित्र गुफा की दूरी केवल 6 किलोमीटर है। प्रातःकाल भक्तगण भगवान अमरेश्वर महादेव की स्तुति करते हुए आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। भक्तों की लंबी कतारें और साथ में प्रकृति में लहराती भोले की जय जयकार यात्रियों के भीतर दुगना जोश भर देती है। ओम नमः शिवाय को आधार मंगलम। शिव शिव जाप को चार मंगलम। शिव शिव जाप को चार मंगलम। ओम नमः शिवाय को आधार मंगलम। ओम नमः शिवाय को आधार मंगलम। सोम मंगलम सारधार मंगलम। ओम तार मंगलम। भाव मंगलम भवतार मंगलम। हर हर महादेव। जय बाबा अमरनाथ के जय घोष करते हुए भक्तगण जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो बर्फ से बने इस अद्भुत शिवलिंग को देख चकित रह जाते हैं। काशी मंगलम तो केदार मंगलम। काशी मंगलम तो केदार मंगलम। कैलाश मंगलम है विहार मंगलम। कैलाश मंगलम है विहार मंगलम। ओंकार मंगलम। काशी मंगलम तो केदार मंगलम। भाव मंगलम त्रिशूल मंगलम है श्रृंगार मंगलम। हिम आच्छादित पर्वत के मध्य प्रकृति रचित स्वयंभू हिम शिवलिंग की महिमा अपरंपार है। कहते हैं यह शिवलिंग अमावस से पूर्णमासी तक धीरे धीरे पूर्ण होता है और पुनः घटता जाता है। सोम मंगलम सारधार मंगलम। तू ही है एक एकाकार मंगलम। तू ही है एकाकार मंगलम। पशुपतिनाथ नंदीश्वर मंगलम। यह गुफा समुद्र तल से 12,729 फीट की ऊंचाई पर है। तू ही भोले शंकर के चरणों का स्पर्श करती अमर गंगा की धारा इस गुफा के नीचे बहती है। सोम मंगलम सारधार मंगलम। मंगलम त्रयंबकम उदार मंगलम। मंगलम त्रयंबकम उदार मंगलम।
कलयुग में अमरनाथ दर्शन के समान मुक्ति का अन्य कोई मार्ग नहीं है। गुफा में बर्फ के शिवलिंग के अतिरिक्त यहां बैठे कबूतर भी सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं। कहते हैं प्राचीन काल में जब महादेव जी के नृत्य से ये कुड़ने लगे तब क्रोधित होकर भगवान शंकर ने इन्हें श्राप दिया कि मेरे नृत्य को देख बार बार कुरु कुरु कहने वाले प्राणी, तुम सदैव कुरु कुरु करने वाले कबूतर बन जाओ। आज भी ये शिवगण कुरु कुरु करके भक्तों के विघ्नों का नाश करते हैं। अमरनाथ दर्शन के पश्चात इनके दर्शन न करना पाप समझा जाता है। कामदहं करुणा कर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्धसुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। त्रिलोकी में कोई भी तीर्थ पवित्र स्थान अमरनाथ की पूजा के समान फलदायक नहीं है। काशी में लिंग दर्शन से 10 गुना, प्रयाग में 100 गुना तथा कुरुक्षेत्र से 1000 गुना अधिक फल अमरनाथ की पूजा से प्राप्त होता है। जम्मू तथा श्रीनगर तक के लिए हवाई सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इसके लिए इंडियन एयरलाइंस तथा जेट एयरवेज की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। कुमकुम चंदन जम्मू एवं श्रीनगर तक के लिए इंडियन एयरलाइंस एवं जेट एयरवेज की रोजाना उड़ाने हैं। पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि। इंडियन एयरलाइंस का दूरभाष इस प्रकार है 2547 3 5 तथा 2546 086। एयरपोर्ट का दूरभाष है 2431 4 3 3। जेट एयरवेज का जम्मू ऑफिस का दूरभाष 2574 3 1 2 2 5 7 4 3 1 5। यहां से यात्री अपना आरक्षण करा सकते हैं। इन स्थानों पर पहुंचकर आपको बस या टैक्सी के द्वारा सोनामार्ग बालटाल जाना पड़ेगा। विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। नवीनतम जानकारी के लिए निकटतम राजकीय विभाग के कार्यालय से संपर्क करें। सुर गुरु सुरवर अमरनाथ यात्रा 2 प्रकार की होती है। पुष्प सदार्चित लिंगम अर्ध यात्रा, यह यात्रा योगी जन करते हैं। योगी जन योग के द्वारा प्राणायाम के द्वारा यह यात्रा करते हैं और अमरनाथ के दर्शन कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
अधो यात्रा। जिन मनुष्य को अर्धव यात्रा का अधिकार प्राप्त नहीं होता उन्हें अधो यात्रा करनी चाहिए। अधो यात्रा अर्थात पैदल यात्रा से यात्री संपूर्ण पापों से दूर होकर निर्मल मन तथा बुद्धि की प्राप्ति कर लिया करते हैं और इससे मुक्ति का मार्ग भी खुल जाता है। प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृक्षवाहन साजे। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। माला वन माला मुंड माला धारी, स्वामी मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालन कारी। ओम जय शिव ओंकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका लक्ष्मी। बाबा अमरनाथ के इस पावन दर्शन से सभी भक्तों का कल्याण हो, भगवान से यही प्रार्थना करते हुए अपनी यात्रा समाप्त करते हैं। जय बाबा अमरनाथ। शिव लहरी गंगा।